बालाघाट के वार्ड 23 में रहने वाले पिता पुत्र को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसमें 10 साल के पुत्र की मौत हो गई। वह पिता जीवन व मौत से संघर्ष कर रहे हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि 14 दिसंबर की रात्रि में पिता पुत्र खाना खाकर नीचे ज़मीन में सोए हुए थे, इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया, जिन्हें दूसरे दिन 15 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान आज 16 दिसंबर को पुत्र शिवम उम्र 10 साल के उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पिता रविशंकर की हालत गंभीर है। बोले कछु हमको काटा है, बोले बाप बेटा को, बस इतने ही। कितने बजे की बात है ये? कितने बजे की बात? 12 बजे रात की बात है। रात फिर भर्ती करवाए क्या? हाँ, तो सवेरे हम लाए। हाँ हाँ, फिर अभी और अभी अभी ठीक है। कितने लोगों को भर्ती करवाए थे? कितने लोगों को भर्ती करवाए थे? उसका बाप था। हाँ, वो लड़का तो लड़का एक्सपायर हो गया। तो ये तो बताइए क्या नाम है? रविशंकर। इसका और लड़के का? मैं जितेंद्र वासर, एसआई। सर, दो लोगों को सांप के काटने वालों को भर्ती किया गया था 15 तारीख की सुबह, क्या है मामला पूरा? वो क्या है कि या तो उनको सर्प ने काटा या किसी की टीट ने काटा। उंगली में निशान थे उनके, दाएं हाथ की उंगली में, बच्चे के और पिताजी के भी थे। तो कल बच्चा ख़त्म हो गया तो उसका पोस्टमार्टम करवाए और लास्ट को सुपुर्दगी में दी, पंचनामा कार्रवाई की। कितने बजे घटना है बोलते हैं? ये घटना है करीबन मरने का घटना है 13:25 की है। ये नहीं, सांप काटा है जो, ये घटना तो सवेरे की हुई, सवेरे की है। अच्छा, सवेरे तो रात में सोए थे, सवेरे पता चला। अच्छा, तो सुबह इनको भर्ती थे, रात में बताया नहीं मतलब लड़के लोगों ने, तो मतलब 8-9 घंटे वो घर ही में रहा, उसके बाद लेके आया। क्या क्या नाम है उनके? क्या 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 नाम है उनके? मृतक का क्या नाम है? शिवम चेचाने, 10 वर्षीय। और पिता का नाम? रवि चेचाने, 38 वर्षीय। ये क्या घर पर सोए थे कि क्या? सोए हुए थे। तो अभी पिता का इलाज चल रहा है? पिता का इलाज चल रहा है। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।